खरगोन जिले के कसरावत थाना क्षेत्र के सैलानी के पास आज रात को सल्फ्यूरिक एसिड से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट कर सड़क किनारे करीब 20 फीट नीचे जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में मौके पर ही टैंकर में सवार एक की मौत हो गई और ड्राइवर गंभीर घायल हो गया। टैंकर पलटने का कारण टायर फटना बताया जा रहा है। हादसा इतना दर्दनाक था कि अनियंत्रित होकर टैंकर सड़क किनारे 20 फीट नीचे नाले में जा गिरा। बताया जा रहा है कि जिले के निमरानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित खेतान फैक्ट्री से टैंकर खरगोन होते हुए महाराष्ट्र की ओर जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से घायल 25 वर्षीय ड्राइवर को खरगोन जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। घटना की सूचना मिलते ही कसरावत SDM अग्रिम कुमार मंडलेश्वर, SDOP मनोहर गवली, कसरावत थाना प्रभारी पुष्पकरण मुवेल, मैनगांव थाना प्रभारी दिनेश कुशवाहा और कसरावत मैनगांव पुलिस बल सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया था। टैंकर पलटने से सल्फ्यूरिक एसिड के हो रहे रिसाव को रोकने के लिए प्रशासन ने खेतान फैक्ट्री से लोगों को बुलाया। हादसे में मृतक राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का बताया जा रहा है। पुलिस शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लेकर आ गई है। कसरावत पुलिस विवेचना कर रही है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। सर ये क्या घटना हो गई थी जब यहाँ पर लेके आया अस्पताल में एक मृतक भी एक घायल? जी ये वाहन दुर्घटना बताया गया था जिसमें दो लोग को लेकर आया था और एक की हालत गंभीर थी और एक मृतस्थ में भी लेके आए थे जी। ये सैलानी के पास कहीं वाहन दुर्घटना होना बताया था। टैंकर पलट गया, उसका भी इलाज जारी है जी। सैलानी के पास एसिड से भरा टैंकर पलटा था बता रहे हैं। हाँ ये 108 वाले लेके आए थे, उन्होंने ऐसा कुछ बताया था कि कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें ये घायल हुए हैं। मौत हो गई? हाँ जी। क्या नाम? डॉक्टर BS चौहान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।